दोस्तों, हम आज सीखेंगे प्रोग्राम में हम लोग सी का प्रयोग कैसे करते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोग्राम में हम लोग एक्स जेड का यूज करके बना रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा कि हम एंगल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा, हम लोग प्रोग्राम में चाहे तो सी का प्रयोग करेंगे, बट सी का प्रयोग आप हर जगह नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोग्राम में सी का प्रयोग कब कर सकते हैं। तो सी का प्रयोग करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि अगर ड्राइंग में ना किसी कोण का आपको लंबाई दिया हो तथा एंगल 45 डिग्री होना जरूरी है। अगर किसी चैम्फर की लेंथ दिया हो और उसका कोण 45 डिग्री है तो हम प्रोग्राम में सी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप यूं समझे कि अगर कोई कोण ओडी का हो या आईडी का, अगर कुछ ऐसा दे दिया CHF 1.5 इंटू 45 डिग्री, तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम में चाहे तो सी 1.5 का यूज कर सकते हैं। अगर कोई कोण 1 इंटू 45 डिग्री दिया हो, 1 इंटू 45 डिग्री है, तो इस केस में अगर ऐसा है तो हम लोग इसके लिए प्रोग्राम में सी 1 का प्रयोग कर सकते हैं। या दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ड्राइंग में भी देखा होगा कि वो डायरेक्टली यहाँ पे चैम्फर 1 ना दे करके यहाँ पे सी 1.5 दे दिया। तो वो सी 1.5 का मतलब है कि ये अंडर स्टूड है कि यहाँ पे जो चैम्फर है वो 45 डिग्री है। अगर नहीं भी दिया तो सी 1.5 का मतलब ये हो जाता है कि ये भी 1.5 है और ये एक्स और जेड दोनों में 1.5 है। तो ये तभी बनता है जब हमारा कोण 45 डिग्री हो। तो ऐसे केस में हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्टली सी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये कोण 45 के अलावा कुछ अलग दे दिया तो फिर आप उसके लिए ए का यूज कर सकते हैं, बट सी तो नहीं होगा। सी तभी होगा जब वो कोण 45 डिग्री हो। इसमें कंडीशंस भी है, आपको याद होगा कि हम लोग लास्ट वीडियो में डायरेक्ट रेडियस पढ़ा था। तो जैसे डायरेक्ट रेडियस में उसको अगला ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सी लिखेंगे तब भी इसमें आगे वाला ब्लॉक क्या है उसी हिसाब से इसको देखना है कि ये चैम्फर यहाँ पे ये इधर को लगेगा या इधर को, तो वो नेक्स्ट ब्लॉक से मशीन इसको पढ़ती है। ठीक है, तो अभी हम लोग सी का यूज कब करेंगे, जहां पे एंगल 45 डिग्री हो और उसकी लेंथ दिया हो। अब देखिए इसका प्रोग्राम में यूज कैसे करना है, बड़ा सिंपल है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, जब सपोज करिए इसका प्रोग्राम बनाना है हमें, जी जीरो एक्स जीरो जेड दो पे आ गया। इसके ऊपर का ब्लॉक मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि टूल नंबर क्या है, आरपीएम क्या है, कैसे लेंगे, डिफरेंस पे मशीन को कैसे भेजेंगे, सेफ्टी पॉइंट क्या है, वो सब में कॉमन रहेगा। तो हम आपको चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अच्छे से समझ में आए। तो अभी मैं टूल को यहाँ कॉल कर लिया और यहाँ से यहाँ लाना है, तो हम लोग लिख देंगे जी जीरो वन जी 42 जेड 0.0 8.15। अब यहां से वैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो हमें यहां पे आके रुकते फिर यहां पे जाते, बट डायरेक्ट सी यूज करना है तो आपको कुछ नहीं करना। एक्स ये डाया 30 क्या है, हम यहां पे लिख देंगे एक्स 30 सी 1.5। तो जब हम सी 1.5 लिखेंगे तो मशीन अभी ये चैम्फर को बनाएगी नहीं जब तक कि आप अगला ब्लॉक लिखेंगे नहीं। तो अगला ब्लॉक है हमारा Z माइनस, अगर ये 16 है बट मैं माइनस 16 ना लिख के मैं प्लस 16 लिख दूँ गलती से, ये मशीन क्या करेगी कि चैम्फर को ये यहाँ से यहाँ पे आएगा और ये पॉजिटिव डायरेक्शन, प्लस 16 लिखा ना, तो ये चैम्फर इधर को बना के मशीन इधर जाने लगेगी। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि अगला ब्लॉक क्या है, अब मुझे चूंकि ये चैम्फर इधर नहीं इधर चाहिए तो इसके लिए हमें प्रोग्राम में Z माइनस 16 लिखेंगे। जब माइनस 16 लिखा तो वो यहां से इधर बना के इधर चली जाएगी। अब ऐसे ही हमें 40 के डाया पे 1 का चैम्फर है, हम लोग यहां पे लिख देंगे
जी 01 एक्स 40 सी 1। अब जैसे यहां रेडियस है तो एक तो हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यूज करके बनाते हैं, अगर हम डायरेक्ट रेडियस बनाना चाहें ये 25 है, मैं लिख दूं जी 01 जेड माइनस 25 आर 1.2, ये डायरेक्ट रेडियस ले लेगा। अगला ब्लॉक इसको देना है, अगला ब्लॉक है हमारा जी 01 एक्स, एक्स में कहाँ आना 60, मैं 60 लिख दिया और यहाँ पे सी दिया है 2 का, तो 2। अब ये 2 लिखना है तो आपको इसको थोड़ा इधर बढ़ाना पड़ेगा कि इसको डायरेक्शन मिल जाए। तो दोस्तों अगर ये 25 है, ये 2 mm दिया है, इसका मतलब कि ये 2 mm है, ये 27 तो वैसे ही हो गया, तो मुझे कम से कम जेड माइनस 28 या 29 अगर मैं लिख देता हूँ तो ये अपने आप चैम्फर लग के टूल यहाँ आएगा और फिर इससे ऊपर हम लोग उठा लेंगे। एम 01 आगे जैसा भी है। दोस्तों आप ये समझें कि अगर हम लोग डायरेक्ट सी का यूज करेंगे ना तो मशीन अपने आप ही आर या सी कुछ भी लिख दें, अगर मैं यहाँ आर सी के जगह पे आर 1.5 लिखूं तो यहाँ ऑटोमेटिकली रेडियस बन जाएगा। ये बड़ा सिंपल यूज है। कई बार दोस्तों आपने देखा होगा ड्राइंग में कि कहीं पे कोई चैम्फर नहीं दिया बट एक नोट्स लिख देता है, नीचे एक नोट्स में लिखा रहेगा ऐसा, रिमूव ऑल सार पेजेस, रिमूव ऑल शार्प एजेज विथ 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 मैक्सिमम विथ, जैसे अब दे देगा रिमूव ऑल शार्प एजेज विथ मैक्सिमम मैक्सिमम जी मैक्सिमम 0.5 इंटू 45 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि आपको ये 0.5 इंटू 45 का मतलब सी 0.5 है, ये मैक्सिमम है। तो इस केस में हम लोग हर जगह पे सी 0.2 या 0.3, क्योंकि ये 0.5 मैक्स है तो अधिक से अधिक 0.5 होना चाहिए, तो हमारा उससे कम में निकल जाएगा, हम लोग सी 0.2 सी 0.3 ऐसा दे देते हैं ताकि वो चैम्फर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है बट बर भी ना आए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सी का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई कोण 45 डिग्री दिया है तो हम लोग डायरेक्टली सी का यूज कर सकते हैं। अगर ये सी नहीं करते ना तो सपोज करो कि अगर हमने यहाँ पे एक ही ब्लॉक में ये लिख दिया, अगर ये नहीं लिखते तो आपको पता है कि पहले तो हम लोग यहाँ पे जी 01 एक्स, अगर ये 30 है, डेढ़ का चैम्फर है तो 3 माइनस करें, हम यहाँ पहले 27 पे आए, फिर जी 01 एक्स 30, अब उसके बाद फिर ये 45 डिग्री है तो हम चाहे ए 135 लिखें या जेड माइनस 1.5 लिखें, तो ये कम से कम हमारा ये 2 ब्लॉक चाहिए बट यहाँ पे एक ही ब्लॉक में हो गया। और यहाँ पे चैम्फर को बढ़ाना घटाना भी बड़ा इजी हो जाता है, अगर कोई कहता है नहीं बड़ा है छोटा चाहिए तो मैं यहाँ पे ऐसे ही कुछ किए बिना ही 1.2 कर दूंगा तो वो चैम्फर 1.2 का हो गया, बढ़ाना है 1.5 है या 1.6 कर दे तो 1.6 हो गया। इसमें जितने का आप डालेंगे उतने का ही चैम्फर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि हम लोग रेडियस समझ गए, चैम्फर समझ गए, चैम्फर में दोनों तीनों ऑप्शन समझ गए, सी का यूज, एक्स जेड का यूज, एंगल का यूज, तो हम लोग कहीं पे भी अभी ये कर लेंगे। अगली वीडियो दोस्तों मैं अब चालू करूंगा कि रफिंग कैसे करेंगे, क्योंकि हम लोगों को सिंपल ये ब्लॉक बनाना तो आ गया, चाहे रेडियस हो, एंगल हो, चैम्फर हो, अब रफ करके कैसे बनाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं रफिंग।